welcome to TV का पटाका, your one-stop destination for all entertainment news. Well, दोस्तों, Big Boss Season 16 के घर से पांचवें नंबर पर हुए हैं सबसे पहले शालीन भनोट एलिमिनेट. लेकिन दोस्तों, शालीन भनोट की किस्मत घर के बाहर कदम रखते ही चमक गई. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्यों कि शालीन भनोट को मिल गया एकता कपूर का सबसे बड़ा शो. जी हाँ, एकता कपूर की ऑल्ट बालाजी की एक बहुत बड़ी सीरीज के अगले लीड एक्टर बनने वाले हैं शालीन भनोट. जी हाँ, शालीन भनोट पर पूरे तरीके से इस वक्त इंडस्ट्री मेहरबान है. जहाँ एक तरफ खतरों के खिलाड़ी में रोहित शेट्टी ने कंफर्म कर लिया है शालीन भनोट को, तो वहीं अब ऑल्ट बालाजी की एक बहुत ही बेहतरीन सीरीज में लीड एक्टर के तौर पर अपना बॉलीवुड डेब्यू करने वाले हैं और कोई नहीं बल्कि एकता कपूर के फेवरेट बन चुके शालीन भनोट. एक तरफ जहां पे शालीन भनोट को स्पेशल सीरियल ब्यूटी एंड द बीस्ट में लीड एक्टर के तौर पर काम मिलने वाला है, ये खबर बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है, तो वहीं एकता कपूर ने ऑल्ट बालाजी का एक और सुपरहिट ओटीटी सीरीज दे दिया है शालीन को. वेल, इस ओटीटी सीरीज का नाम है बेकाबू. जी हाँ, बेकाबू सीरीज के अब अगले तीसरे पार्ट के लीड एक्टर आपको शालीन भनोट नजर आएंगे. ऑल्ट बालाजी की बेकाबू सीरीज सुपर डुपर हिट रहती है. हर बार इसे जमकर ऑडियंस का प्यार मिलता है और इनकी लीड एक्टर और एक्ट्रेसेस हमेशा से ही बेमिसाल होते हैं. और इस बार शालीन भनोट अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाले हैं. दोस्तों, ऐसे में बहुत ज्यादा जनता इस बात से शालीन भनोट को टीज कर रही है, या फिर कहा जाए कि शालीन की ट्रोलिंग है, कि इस सीरीज में इनके साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर टीना दत्ता हो सकती है, सौंदर्य शर्मा हो सकती है, या फिर कोई और होगा. लेकिन इनको इन नामों से अक्सर चिढ़ाया जा रहा है, ट्रोल किया जा रहा है. लेकिन दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा कि शालीन भनोट के साथ लीड एक्ट्रेस के तौर पर बेकाबू सीरीज में कौन आएगा नजर. वेल, दोस्तों, शालीन भनोट के लिए बहुत सारे ऑफर्स आ चुके हैं, एकता कपूर का सीरियल हो या फिर एकता कपूर की वेब सीरीज, और साथ ही साथ खतरों के खिलाड़ी में उनका पार्टिसिपेशन. क्या कहेंगे आप? शालीन भनोट को किस तरह से करेंगे कॉन्ग्रेचुलेट? हमें अपने व्यूज कमेंट करके जरूर बताएं. वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूलें.